आपने कोर्ट भी किया हाफिज सईद को भी, ऑन करो नहीं। अगर किसी को आपत्ति है मैं उनसे निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से उसकी सूची ले लें कि कितने लोग देवबंद से आतंकवाद गतिविधियां में शामिल हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए वो राष्ट्र विरोधी। मैंने सही कहा है कि देवबंद गंगोत्री है आतंकवाद। कांग्रेस को आपत्ति है इस पे? अब उनको आपत्ति रहे, क्यों नहीं आपत्ति रहे? सोनिया जी बेचारी बटाला इनकाउंटर में गए, आंसू बहाए, रोए, वो भी देशभक्त ही उनको दिखा। आजमगढ़ में अभी उनकी पुत्री प्रियंका जी गई हैं आंसू बहाने। तो मैं तो इतना जानता हूँ पहले देश है तभी पार्टी। दिल्ली का आजमगढ़ जिस तरह से वहाँ गई है काफ़ी अधिक थी, क्या कहूँ? देखिए भीड़ तो होगी ही, भीड़ जब सोनिया जी बाटला हाउस में गई थी इनकाउंटर में आंसू बहाने तो भी भीड़ थी उन गलियों में। दिग्विजय सिंह आजमगढ़ गए थे तो भी भीड़ थी। आज प्रियंका भी गई हैं तो भी भीड़ है। दिग्विजय जी गए थे ओसामा बिन साहेब के शब्दों से कह के। आज देश का दुर्भाग्य है कांग्रेस बाटला हाउस इनकाउंटर में सोनिया जी जाती है। और देश द्रोह क्या है देश में? सीए ये कानून देने का है, ये कांग्रेस को नहीं समझ में? सदन में पास हो गया उसके बाद भी देश में वो जितने देश में शाहीन बाग हो रहे हैं वो एक तरह से देश के खिलाफत आंदोलन हो रहा है, देश को तोड़ने की साजिश हो रहा है। लोग समझेंगे समय आने दिल्ली चुनाव में।